हेलो ऑल यू लवली पीपल आउट देयर, और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट रिव्यूज में। आज आपको बता दें 17 मार्च यानी कि आज के दिन एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई है। ज्विगेटो, जिसमें आपको कपिल शर्मा देखने को मिलने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंटेंस किरदार है। उसके अलावा है रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और एक और फिल्म है कब्जा। बिना देर किए रिव्यू शुरू करते हैं और आपको बता दें कि क्या आपको आपके पैसे खर्च करके थिएटर जाना चाहिए इन फिल्मों को देखने के लिए या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे से। सुरभी, फिल्म कैसे लगी आपको? कहानी तो ऑब्वियसली सब लोग समझ गए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म की खास बात क्या है तो क्या होगी? ओके, सबसे पहले तो फिल्म की खास बात ये है कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेके देखना पसंद करते हैं जब भी कोई फिल्म किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है, और ये काफ़ी इमोशनल टच है इस फिल्म में। रानी मुखर्जी का काम ऑफकोर्स बहुत अमेजिंग होता है, वुमेन सेंट्रिक फिल्में आजकल वो करती है, लेकिन जो भी फिल्में करती है, जो भी कैरेक्टर प्ले करती है, बहुत दमदार होता है। बहुत दमदार, मर्दानी उन्होंने की थी, क्या फिल्म थी। और अब मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, लेकिन जब आपने ये फिल्म देखी, ये उसको बताइए कि इस फिल्म में आपको डायरेक्शन अलग लगा, उमदा लेवल का लगा, स्क्रीन पे प्ले अलग लगा, या फिर रानी मुखर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स रानी मुखर्जी ने ही ध्यान खींचा है, क्योंकि ये एक माँ की स्टोरी है जिनसे उनके बच्चे अलग हो जाते हैं, बच्चों को अलग कर दिया जाता है, और उसके बाद किस तरीके से बिना सपोर्ट्स मिलते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते, तो किस तरीके से एक अनजान देश में जहाँ पे उनके बच्चों को उनको उनके पास देने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, और कोई उनके पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, हालांकि उनके हस्बैंड होते हैं लेकिन वो भी इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो वो किस तरीके से लड़ती है सभी लोगों से, बाहर के देश के लोगों से, और कैसे अपने बच्चों कैसे उनके बच्चे उनके पास आते हैं, ये उस पर बेस्ड है। अब बात करते हैं ज्विगेटो की। कपिल शर्मा कौन नहीं जानता, जब वो स्क्रीन पर आते हैं तब लोग अंदर से ठहाक के लगाने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ज्विगेटो को डायरेक्ट किया है नंदिता दास ने, और नंदिता दास उन तरीके की फिल्मों के लिए काफ़ी फेमस हैं जो काफ़ी इंटेंस होती हैं, काफ़ी मैसेज ड्रिवन होती हैं। इस फिल्म को जब हम देखने गए तब हमें उम्मीद थी कि ये फिल्म एक मैसेज लेकर आएगी, जो कि लेकर आई भी, लेकिन ये फिल्म थोड़ी सी स्लो है। यानी कि अगर आसान भाषा में बात करें तो 2020 के ज़माने में अगर आप टेस्ट मैच देखें तो आपको क्या लगेगा? एग्जैक्टली वैसा ही आपको ये फिल्म देखकर लगता है। मुझे आपको करेक्ट करना है, थोड़ी सी नहीं, ये फिल्म काफ़ी स्लो है। स्टार्ट से एंड तक ये आपको फिल्म कपिल शर्मा और शाहाना गोस्वामी के जो किरदार हैं उनकी जद्दोजहद बताएगी, लेकिन शायद उम्मीद की किरण एंड में भी इतनी ना दे पाए जितनी आपको जरूरत है। Am I right? Right, correct. कपिल शर्मा अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में जब आप उन्हें एक्टिंग करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अच्छा किरदार शाहाना ने इस फिल्म में निभाया है वो कहीं ना कहीं कपिल थोड़े से चूक गए, उन्होंने बुरी एक्टिंग नहीं की है, लेकिन हाँ कपिल से ज्यादा अच्छी एक्टिंग इस फिल्म में शाहाना गोस्वामी ने की। शाहाना को भी उतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं दिया गया है, बहुत कुछ अब्रप्ट लगता है जब वो एक्ट कर रही है कोई सीन। और क्यों अब्रप्ट लगता है बताइए? वही, क्योंकि कहानी ऐसा लगता है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं पर रुकी हुई है, वही सेम आप एक सीन में फिर प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, फिर उसका कुछ, फिर नेक्स्ट सीन में आपको लगता है कि अब कुछ प्रोग्रेस होगा, अब कुछ अलग दिखेगा, लेकिन फिर आपको वही प्रॉब्लम के साथ आपको वो सीन पेश किया जाता है। यानी कि जब आपने प्रोमो में देखा कपिल जब बोलते हैं कि वो मजदूर है इसलिए मजबूर है, या फिर वो मजबूर है इसलिए मजदूर है, तो यही जो मजबूरी और मजदूरी जो है ये इस फिल्म का एक कोर है, और इसी चक्रव्यूह में ये फिल्म फंस जाती है, इसके बाहर नहीं निकल पाती। यानी कि जब आप इस फिल्म को थिएटर से देखकर बाहर निकलेंगे तो आप सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन आप शायद किसी को रेकमेंड ना करें कि थिएटर जाके ये फिल्म देखें। हाँ, OTT पर जब ये फिल्म आएगी आई एम श्योर ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि रीच पड़ जाएगी, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको इस फिल्म को अपने पैसे देकर थिएटर में जाकर देखना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको लगे। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे को 5 में से कितने स्टार्स? 3.5 स्टार्स। और ज्विगेटो को वैसे तो 5 में से 2 स्टार्स मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी कोविड के दौरान ये फिल्म शूट हुई, बनी, सबने इतनी मेहनत की, इसलिए आधा स्टार देना बनता है। तो फाइनली टोटली
रिगेटो को 5 में से 2.5 स्टार्स। एंड कीप वॉचिंग फिल्मी बीट।